यरोमन अन्योन्याश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप ब्लैक स्वान ग्रुप और उनके मेंबर श्रेया लिंका के फैन हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कल ब्लैक स्वान का कमबैक सॉन्ग कर्मा रिलीज हो गया। या ये भी कहा जा सकता है कि श्रेया लिंका का फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग रिलीज हो गया। और अगर आपने इस सॉन्ग को देखा होगा तो आपको इसमें ढेर सारे सरप्राइज भी देखने को मिले होंगे। लेकिन इस सॉन्ग के रिलीज के साथ ही इसे ग्लोबली काफी हेट भी किया जा रहा है, यानी इस सॉन्ग को पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो अब मैं आपको इस सॉन्ग को मिल रही हेट का रीजन बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे केपॉप की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपको इस सॉन्ग के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस ग्रुप के बारे में बताना चाहती हूँ। ब्लैक स्वान डीआर म्यूजिक कंपनी का एक ग्रुप है, जिसकी स्टार्टिंग 2011 में हुई। उस टाइम इस ग्रुप में 8 मेंबर्स थे, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ये ग्रुप अपनी वो जगह नहीं बना पाया जो बाकी ग्रुप्स ने क्रिएट की। इन शॉर्ट, ये ग्रुप पॉपुलैरिटी गेन करना तो दूर, सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए इस ग्रुप के मेंबर्स ने धीरे धीरे इस ग्रुप को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद कंपनी ने इस ग्रुप के लिए न्यू मेंबर्स का ऑडिशन स्टार्ट किया, जिसमें इंडिया से श्रेया लिंका को सेलेक्ट किया गया। और अब इस ग्रुप की प्रीवियस मेंबर पातू को छोड़कर बाकी 3 मेंबर्स न्यू हैं, यानी अब ये 4 मेंबर्स का ग्रुप है। और 2021 से 2023 तक ब्लैक स्वान ग्रुप का फर्स्ट सॉन्ग अब आके रिलीज हुआ है, जो कि इंडिया में ही शूट किया गया है। यानी अगर आप इस सॉन्ग को देखेंगे तो आपको ये फुल सॉन्ग इंडियन थीम पर ही नजर आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेया लिंका भुवनेश्वर से बिलोंग करती हैं, तो इस सॉन्ग की फुल शूटिंग भुवनेश्वर में ही की गई है, जहां इंडियन कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप इस सॉन्ग को अदर केपॉप या इंडियन सॉन्ग से कंपैरिजन करेंगे तो ये सॉन्ग आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि इस सॉन्ग की पिक्चराइजेशन काफी लो क्वालिटी की है। वहीं ड्रेसेस तो इतने खराब हैं कि आपको उन्हें देखकर शर्म आ सकती है, यानी कोई फैशन या लेटेस्ट क्रिएटिविटी का ध्यान नहीं रखा गया। मैं तो यही कह सकती हूँ कि आजकल इंडिया में ऐसे क्लोथ कोई वियर नहीं करता। दोस्तों, मैं यहाँ इंडियन या वेस्टर्न ड्रेस की बात नहीं कर रही, इंडिया में इंडियन ड्रेसेस की भी काफी हाई क्वालिटी है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होने वाले इस सॉन्ग में दिखाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया। इसके अलावा इंडिया की वही हमेशा की ही तरह इमेज गाय भैंसों और ऑटो वाली दिखाई गई है, जबकि इंडिया काफी बदल गया है। तो मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान इस सॉन्ग में भी रखा जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया की जैसी इमेज प्रेजेंट की जाएगी ग्लोबली, वैसी ही इंडिया की इमेज बनेगी। हालांकि ब्लैक स्वान मेंबर्स का वर्क काफी अच्छा है, लेकिन सॉन्ग कैची नहीं है, यानी आप शायद ही सॉन्ग को याद रख सकेंगे। आप भी अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगेओ।